राम राम भैया, सारी बाणा ने उम्मीद करूं कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो तब मैं बता दूं, सबसे पहला जो जरूरी बात है, जो चैनल पर नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइयो। और भाई जो वीडियो तुम पूरी लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। कोई बात बढ़िया तुम थारे आगे शेयर करूंगी, उस वीडियो उस बात ने सुनियो और उस चीज पर अमल करके आज जित तुमने भेजना चाहूंगी थे जाइयो, ठीक है। तो भाई अपना एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आया है, बारात तेरे गांव में, तो कौन से चैनल पर आया है, कित यो गाना आया है और किसने यो गाना निकाला है, तो वो चीज़ मैं वो टॉपिक खरे आगे शेयर करूँगी। तो भाई ये जो गाना है सैम जांगड़ा जी ने गाया है, मतलब गाया नहीं निकाला है, तो भी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और तब एक बार गाने ने सुन का यो चैनल का लिंक जो है वो तुमने मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और लिंक पर क्लिक करके जरूर जाइयो एक बार। और भी गाना मतलब सच में ही बहुत ही बढ़िया है। जिन बाणा के चैनल है तुमने बता दूँ भाई, जो शॉर्ट बनावे हैं तो एक बार जो मैंने शॉर्ट बना रखी उड़े तो लिंक उठा के ऑडियो उठा के और उस गाने पर एक बार शॉर्ट जरूर बनाइयो। अगर थोड़ा सा भी तुम मरते प्यार प्रेम मृत्य करो हो तो वो अपना प्यार प्रेम, अगर थारा जो प्यार दिखाने का जो तरीका है वो आज यो ही है कि तुम एक एक शॉर्ट या दो दो शॉर्ट थरते जिसी बना तीन तीन शॉर्ट उस गाने पे मतलब डाल दो, पोस्ट कर दो अपने चैनल पे। देखते हैं भाई थारी वीडियो पे कितना हो जाऊगा। हाँ एक चीज़ और करियो, जोन सी बाण भी शॉर्ट बनावे लिंक भाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दियो, थारी वीडियो ना आगे शेयर करवाने का काम मेरा है, ठीक है। तो दूसरी बात जो है भाई, गाना बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है सुनने में भी, फैमिली के साथ भी बैठ कर सुन ले क्यों करे भी भाई, या जिसके घर में शादी ब्याह है भाई अपना पूरे पे डीजे पे भी चलाओ और वैसे खाने पीने के टाइम पे भी वैसे कूड़ा लगा दो, या फिर जड़ा बरात जीमती ओढ़े भी लगा लो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है भाई। यूँ नहीं है भाई कोई लाइन उसमें कोई गलत बोली गई है, या भी आजकल मतलब क्या हो रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ गाने तो इसीलिए कड़न लग रहे हैं, जो हम मतलब अगर माँ बैठी है तो हम चला भी नहीं सकते, भाई बैठे हैं तो हम चला भी नहीं सकते, या भाई मतलब फैमिली में ससुरा है जेठ है जेठानी है कोई भी है पूरी फैमिली हम बैठ कर उस गाने ना सुन भी नहीं सकते, इसे गाने काटे हैं। लेकिन यो जो सॉन्ग है तुम एक बार सुन कर देखियो, चाहे पूरी फैमिली बैठी हो या भाई ससुरा बैठा हो या भाई जेठ बैठा हो, कोई भी बैठा हो, भाई बैठा हो, बाबू बैठा हो, कोई भी बैठा हो, इस गाने ने हम पूरे ना आराम तक सुन सके हैं सबके शामिल लगा के। तो गाने पर जाके और भाई कमेंट जरूर करकाइयो कि किसकी वीडियो देख कर मैं आड़े थी इस गाने तक पहुँचाऊँ। गाने का लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई जाके एक बार क्लिक करके गाना जरूर देखियो। और दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो वह चीज़ भी तुम आज सुन लो भाई। पाछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वह के वीडियो थी आके भाई काम के बाबत थी कि जो एकली एकली बेबे हैं भाई अपना घर का काम करा है, तो उन्हें के सुन में लाइक आ दी, ठीक है भाई कह रहे हैं लुगाई है तो अगर खराब होया अगर बहुत ही ज़्यादा खराब होया अगर का अगर लुगाई लुगाई की दुश्मन होया अगर हर है यही सच्चाई है। घर में जड़ा दो लुगाई होंगी, एक आधी दुरानी जठानी की होया अगर जो जिसकी बड़ी अन्न बरना तक एक दूसरे की पैरन होया अगर सारी, तो तेरे घर में के काम है तेरे घर में के काम है, तो इस बात पर था भाई सबके घर में काम है ना, तो कोई जाके किसी का पोचा झाड़ू कर करता ना, किसी का कोई बर्तन मांज करता, चाहे ना कोई किसी की रोटी भोगाता, चाहे अगली बीमार हो उठ कर गोली लेकर अपना सारा काम निपटाओगी, तो भाई किससे तभी कुछ भी मत कह करो। हाँ तो उस वीडियो में मैंने जो बात कही तो उस वीडियो ने कई लुगाई ना अपने ऊपर ली, मेरे पर कह रखी है मेरे पर कह रखी है मेरे पर कह रखी है बात मेरे ती वाह आ गई। तो एक बात सोचने वाली बात है, वह चार पांच लुगाई वह है जिनका तो मैंने दिमाग में भी हल्का सा भी न्यूना था कि ये भी इसी उसके तई वो काम हो गया तो बस होगी कि तो वो काम हो गया कि हे अर्जुन तीर चला, बोला किस पर चला, उड़ता तीर लेने वाले अड़ गणे हैं, तो वे यू उड़ता तीर तो गण्या ने ले लिया। तो देखो मतलब सोचने वाली बात है, अगर मन आई मन्नत ना कहती आई मन्नत ना कहती तो इसका मतलब तुम बुराई करो पीछे थे छक्के करो, देखे नुका अगर गलत कुछ करो मत और ठीक करने में पीछे हटो मत, तो आप ये काम करें अगर तो भाई किसी ने गलत लग गया है वीडियो
या भाई अच्छी नहीं लगती, तो जिसने हमारी शक्ल अच्छी ना लगती वो तो मत देखो। हम किसी ने नोता देने नहीं जाते या किसी ने नुकह नहीं जाते कि मन्ने आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मन्ने कदे किसी तनु नहीं कही या किसी का फोन लेकर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। भाई किसी ना अच्छा लग गया करया, नहीं लग गया नहीं करया। दूसरी बात है तुमने बता दूं, ये कई बाणी सी हैं, बेबे हेल्प कर दे, मदद कर दे, कम्युनिटी में शेयर कर दे बेबे वीडियो। देखो बेबे बात आज साफ कहूंगी, ना मैं सूसू कराया करूँ, ना मैंने सूसू करने की आदत है, मैं सीधी सुसरी कहया करूँ। जो बात है मुंह पे कह कह और अपने कोड़ ना हट जाओ वो बढ़िया है। अगर बेबे किसी ने लगवाणी है ता हाथ ना हाथ दो है, मैसेज कर लियो, बता देंगे कितने में थारी वीडियो लगेगी, हमारी कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें तकरीबन हम अपनी ही फोटोज वीडियोज इन चीज़ों के लिए वो होती है शेयर करने के लिए, अपनी अपना लिंक या हम चाहो किसी के चैनल का लिंक अपनी मर्जी का। तब एक बात बताओ, हम फ्री में कर देंगे थारा काम, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस चैनल के व्यू बढ़िया हो, बढ़िया सब्सक्राइबर हो, तुम जाके एक बार भी हमारी वीडियो उड़ा शेयर करवा दे, तुम न मान जावे। कोई भी अपनी वीडियो में किसी की भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। कई क्या कहेंगी भाई इतने बूंदे इमोशनल मैसेज छोड़ेंगी, वॉइस मैसेज, मेरा भाई मतलब घर का ब्योति सा है, मैं कति दुखी हो रही हूँ, घर का ईसा ब्योत है, तू दुखी हो रही है, कोई भी जितनी भी है बाणी मोसल मैसेज भेजा। तुमने सिर्फ एक चीज कहूंगी, अगर इतनी सिचुएशन खराब है ना तो अपने किता नौकरी कर लो, बढ़िया रहोगी, क्योंकि यूट्यूब मेहनत मांगता है, ऐसे ही पैसा नहीं बनता यूट्यूब पे, यूट्यूब बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। अच्छे अच्छे आड़े तो हार मान के पीछे नो ले हैं, और कोई ये नहीं है, तुम कितनी हेल्प कर दो ये बताओ, तुम वीडियो तो शेयर भी नहीं करती, और बताओ कभी की है जो लोग यहाँ मदद मांगने आ रहे हैं, कभी वीडियो शेयर की है कहीं पे अपने मतलब व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई हो हमारे चैनल लिंक की, या कहीं तुम किसी और मतलब प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो वहां पे लगाई हो कहीं पे, कहीं पे भी कभी कोई हमारी हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे शेयर करता है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करते हो तुम लोग सपोर्ट। बस मुंह उठाया, मैसेज छोड़ा, रोंदूसी आवाज की और वॉइस मैसेज छोड़ दिया, हेल्प कर दे बेबे, देख ले। परसों आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से थी, कोई हिसार से थी, बेबे तेरे में तो एटीट्यूड बहुत है, तू रिप्लाई ना दी थी, 2 दिन तक उसके मैसेज आए बहुत ही मतलब नॉर्मल से, बेबे हेल्प कर दे, मेरी फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है, ये है वो है। चलो भाई मैंने उसका रिप्लाई दे दिया था, बेबे तू मैंने देखा तो उसके चैनल पर शॉर्ट पड़ी थी, तो भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं शॉर्ट में थारी हेल्प के करूँ? तुम खुद की मतलब शक्ल भी नहीं दिखाना पसंद करती, या फिर तुम खुद एक ढंग का व्लॉग भी नहीं बनाना पसंद करती कि नहीं हमारी फैमिली को पसंद नहीं है, तो फिर उस बड़का की वीडियो या तुम्हारी बैक बैक की चलती है कि वीडियो ना मैं शेयर करूं कि इसको इस बैंड ना जाओ तुम सपोर्ट करो ना। तो फिर मैंने उससे बोला कि बेबे तू ऐसा करे, तू अपने व्लॉग बना, अपने प्रॉपर शक्ल दिखा, सुथरी डाला। बोली मेरे को परमिशन नहीं है शक्ल दिखाने की। चलो ठीक है, तेरे को शक्ल दिखाने की परमिशन नहीं है तो भाई तू फिर क्यों अंगला रही है, तेरे घर की सिचुएशन ऐसा क्यों सुधारना चाह रही, जब अगला तेरे को इतनी परमिशन नहीं दे रहा है कि तू शक्ल दिखा और यूट्यूब पे आ, तो बाड़े में जा ही सब सपोर्ट करना, चला अपने घर ने किते तो चला, तू क्यों इतना दुखी हो रही है फिर? तो फिर मैंने उससे कह दिया बेबे जब अगला ये नहीं चाहता तू यूट्यूब पे आवे, तो कह दिया अगले ने अपने घर ने खुद चला, मैं क्यों तेरे में अंगला हूं? तो फिर क्या है, तेरे में तो एटीट्यूड ही बहुत है, तू तो ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। अरे तू खुद तो देख ले भाड़ी, तू खुद तो देख बहने मेरे को क्या वो कर रही है। दूसरों को टारगेट तब करो जब खुद का करेक्टर और छवि बिल्कुल साफ, वहां पे तुम्हारा सब कुछ दिखता है मुझे। मैं बंदे से जो अगर 2 मिनट बात कर लेती तो मुझे पता चल जाता है किस नीयत से कैसे बात कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात, मेरे से सपोर्ट मांगने का पहला भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा है मेरे सूटा की वीडियो में, अगर कम्युनिटी में वीडियो बनवानी लगवानी है तो नंबर पे मैसेज छोड़ दो, और भाई अपनी मेरी कम्युनिटी का 24 घंटे का जो चार्जेज है मैं तुम्हें बताऊंगी, और डालो और लगवा लो। लेकिन ये नहीं है कि भाई मैं आड़े ही फ्री मैं समाज सेवा करूंगी, ना बेबे बहुत कर ली भाई मैंने समाज सेवा, बहुत कर ली समाज सेवा कर करके, मैंने अपने तो पछ लिया अपने तो आग पहुँचा दिए,
ये मेरे बस की नहीं है, अपना मन्नत जुकर अपना चल रही हूँ, मन्नत चलन दो, बढ़िया रहोगी अपने, मेरे तो दूर रहोगी अगर तुम मेरे बिना बोता कि तुमने मतलब गुड्डी तो कह दे, गुड्डी तो मिलवा दे, मृत गुड्डी तो न्यू करवा दे, मैं बोतों को मैंने मिलवाया गुड्डी तो, फिर भी मतलब वो लोग मेरे को ये बोलते ना मोना ना ये करती है, मोना वो करती, करूंगी बेबे क्यों नहीं करूं, कर लो तुम जाके बात करो, तुम सीधे मुंह करके दिखाओ ना बात, तुमने बेरा लग, तो भाई मैं ऐसे रिप्लाई नहीं दूंगी, मेरे पास बेसिक मैसेज मत करा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, और पहले बताऊँ हाथ ना हाथ धोया करे, अगर तुम ना कोई भी मेरे यूट्यूब तक मतलब कोई काम है, कम्युनिटी खासकर मेरी कम्युनिटी, मैं इंस्टाग्राम पे भी 200 रुपये की स्टोरी लगती है, एक स्टोरी के 200 रुपये लगते हैं, और मैं फिर भी फ्री में लगा देती हूँ, कोई बात नहीं भाई आपस में बाण बाण, कोई कोलोबरेट कर देता है भाई 500 रुपये कोलोबरेट के ला गए एक वीडियो के, 24 घंटे के कोलोबरेशन के 500 रुपये, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुसती ही नहीं है, तुम जाओ ना करो ना, किसी को भी मैसेज करो तुम्हें रिप्लाई भी मिल जाए, तो मैं तो फिर भी ये देख के यूट्यूब से मैं दीदी मैं वो हूँ और मेरे को एक बार रिप्लाई करो प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी, मैं फिर भी बात करती हूँ, कोई बात नहीं भाई क्या पता है किसी को क्या ज़रूरत हो, तो भाई देख मैंने पैसे के मामले में बहुत हेल्प कर ली लोगों की, और भाई वैसे भी समाज सेवा बहुत कर ली, अब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं, तुम्हें अच्छा समझना अच्छा समझो, मेरे को बुरा समझना था, मैं बहुत ही बुरी हूँ सही बता दूँ, हाँ भाई क्योंकि बुरा बन के चलने में ही भलाई है, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है वो चीज़ जो मैं तुम्हें लोगों को समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे पास मैसेज मत छोड़ा करो, तुमने जिस तरह से हेल्प चाहिए आके तू मुझे फलाने से हेल्प चाहिए बहन प्लीज़ उससे बात करो, तो मैं किसी से कोई बात नहीं करवाऊंगी, खुद बात करो खुद मैसेज करो और मेरे से चाहिए तो भी बहन आपसे हेल्प चाहिए तो मैं सीधा भाई अपना चार्जेस बताऊंगी कि बेबी मेरे अकाउंट में इतने रुपये डाल और मेरी कम्युनिटी 24 घंटे के लिए सिर्फ तेरी एक वीडियो लगेगी, उसमें किसी का कुछ नहीं होगा, उसमें तो सारी क्लीन होगी मेरी कम्युनिटी, हाँ वरना ऐसा मेरे पास कोई मैसेज मत छोड़ियो, उम्मीद करो भाई अगर तुमने मेरे को किसी ने गलत नेगेटिव कमेंट करना शौक तक कर सका है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एटीट्यूड हो गया है ये हो गया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चैनल मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ क्या होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा, तो उम्मीद करूँ तुमने वीडियो पसंद आई होगी, राम राम।